पहली बार देश में एक ऐसा मंत्रिमंडल बना है जिसमें सबसे ज्यादा किसान और ओबीसी समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। हमें कई बार ओबीसी में लगता है कि बड़ी जातियां शायद ओबीसी होया करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सूरत की एक बहन दर्जी समाज से आती थी, उसको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला। हमारे मुंबई के एक साथी कपिल, ये नमक बीनने वाले समाज से आते थे, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला। हमारे त्रिपुरा से आने वाली बहन जोगी समाज से, वैष्णव समाज, भाट समाज से आती थी, उसको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला। और मेरे जैसे गरीब किसान के बेटे को भी इस मंत्रिमंडल में मोदी जी ने स्थान दिया। ये कल्पना क्यों है? मोदी जी जब 7 साल पहले इस देश में शासन लेकर के आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये विषय कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। और 5 सालों में जब पहला भाषण उन्होंने दिया था तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली होगी। मोदी जी ने 5 साल राज किया, हिंदुस्तानों के हर गांव में बिजली आई और मोदी जी दोबारा सत्ता के अंतर्गत। हमने 5 साल के अंतर्गत ये कहा कि सभी महिलाओं को उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन मिलेंगे। हमने 5 साल में 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। आज उज्ज्वला 2 योजना भी शुरू हो गई, अब कोई रहने वाला नहीं है। अब हम हिंदुस्तान में उजाला योजना लेकर के आए हैं। अब गांव गरीब दूर तक कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जहां पर बिजली का बल्ब ना जले, जो बिजली की रोशनी को ना प्राप्त करे। हम सब ने देखा है और पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया ने देखा है कि कोरोना जैसी महामारी इस पूरे दुनिया में आई। और हम जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, पहले पोलियो की बीमारी होती थी, पोलियो का टीका मंगवाने के लिए हिंदुस्तान को बहुत जोर लगाना पड़ता था। लेकिन जब कोरोना की बीमारी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में एक स्पेशल टीम बनाई और स्पेशल टीम बनाकर वैक्सीनेशन के काम को प्रारंभ किया। और 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के 54 करोड़ लोगों को आज कोरोना का वैक्सीनेशन का टीका लग चुका है। आज आप और हम लोग बहुत खुलकर के बैठे हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वैक्सीनेशन के मामले में, आगे बढ़ने के मामले में मोदी जी ने देश के लिए बड़े हद तक काम किया है। हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर गांव और शहर को एक साथ लाना होगा तो वो सारी सुविधाएं गांव तक पहुंचनी चाहिए जो शहर तक पहुंचती है। इसलिए बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधा को पहुंचाने के बाद भी हम आयुष्मान योजना जैसी योजना लेकर के आए हैं जिसमें 5 लाख रुपए का बीमारी का सब लोगों को कार्ड दिया जाएगा। 5 लाख तक की कुछ बीमारियों का खर्चा ये सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र में आज जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हमारी चल रही हैं, इसका उद्देश्य ये है कि ये जो सरकार है ये चाहती है कि यहाँ सबका साथ सबका विकास हो। आज एक और बड़ी चुनौती से हमारा देश गुजर रहा है। अब हमारे देश में जितना पुरुषों के लिए अधिकार का विषय है उतना महिला अधिकार का भी विषय है। हरियाणा सरकार ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाया और मोदी जी की सरकार ने न केवल अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं के अधिकार बढ़ाए, समाज के हर वर्ग में जाने के लिए और इस बार 15 अगस्त पे इतना तक कराए कि अब हमारे सैनिक स्कूल में केवल बेटों को नहीं बेटियों के लिए भी स्थान आरक्षित होंगे ताकि हमारी बेटियां भी बराबर की पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। और इस सारी यात्रा को चलाते हुए हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन विषयों को लेकर के चली है, ये इलाका तो वो इलाका रहा है जिसने देश की शहादत के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में बलिदान दिए। अभी मैं रास्ते में से आया तो रास्ते में चशूल का बलिदान के लिए मैं उस स्थान को नमन करके आया। यही इलाका ऐसा रहा है जहाँ के सैनिक और हमारे जांबाज लगातार कश्मीर जाते हुए बलिदान देते रहे। मैं लंबे समय से सुनता था कश्मीर से कोई ना कोई हमारे इलाके के नौजवान जो लगातार शहादत दे रहे थे। आज़ादी के बाद देश में 40,000 जवानों ने कश्मीर की एकता के लिए अपना, नौजवानों का, हमारे सेना के जवानों का बलिदान हुआ। और 70 साल से आ रही समस्या को मोदी जी ने संसद में एक कानून लाकर 377 को परमानेंट समाप्त कर दिया। आज कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीर में अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने जा रहे हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व का सबसे बड़ी सफलता है। इस देश में लंबे समय तक आपस में लड़ाई का राज रहा, आपस में भाईचारे को लड़ाते रहे, कांग्रेस तरह तरह के वोट बैंक को खड़ा करती रही। हमने 500 साल पुरानी समस्या राम मंदिर का समाधान करके आज देश में सारी समस्या समाप्त है और आने वाले 2 साल में देश में राम मंदिर बनकर लोगों की आस्था का प्रतीक ये भी खड़ा होने वाला है। और देश में जो सबसे बड़ी बात है वो किसानों की ताकत को बढ़ाने की बात है। आज दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गई है। हम अक्सर एक बात कहा करते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करती है तो उस पर मनाही नहीं होती है, लेकिन किसान अगर अपनी फसल को अगर उगाता है तो उस पर असेंशियल कमोडिटी एक्ट आ जाता है। ये जो नया कृषि कानून आए हैं, इसमें लाए हैं, इसमें सबसे पहला काम हमने यही किया था कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म किया। दूसरा एक और विषय,
हमने मंडियों को समाप्त नहीं किया है। कोई अगर ये कहता है तो गलत कहता है। हमने मंडी को किसी तरीके से समाप्त नहीं किया है। हमने केवल इतना कहा है कि मंडी तो अपनी जगह पे रहेगी रहेगी, लेकिन अगर बाईपास से कोई दूसरा रास्ता भी अगर आसान लगता हो तो दूसरा रास्ते को भी हमने खोलने का काम किया है। अब जो हमारी किसानी और खेती है वो परंपरागत फसल से आगे जा करके बहुत तरह की फसलों पर जाएगी। और हमारे इलाके में तो रामदेव जी ने बड़ा काम किया है। कभी लोग जाना नहीं करते थे कि अलवीरा जैसी घास भी जो है वो जूस के रूप में बिक सकती है, आंवला भी इतना कीमती हो सकता है। किसान तरह तरह की चीजों को, फसलों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी फसल को बेचने में स्वतंत्र हो। हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की खेती मानसूनी खेती है। कभी बारिश ना आए तो बड़ी दिक्कत, कभी बारिश फसल के ऊपर आ जाए तो भी दिक्कत। किसान के लिए बारिश और मानसूनी खेती की अनिश्चितता ये हमारे किसान को प्रभावित करती रही है। इसलिए सरकार में आने के बाद सबसे पहले हम किसान फसल बीमा योजना लेकर के आए, और फसल बीमा योजना के बाद हमें पता है कि किसान को दो बार तीन बार जब फसल, कई जगह तो तीन बार फसलें दी जाती है, कई बार दो जगह, कई बार एक जगह ही, लेकिन किसान को 6000 रुपए की उस समय जो नकद राशि की जरूरत होती है वो किसान सम्मान निधि को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। आज देश में 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि सीधे उसके खाते में पहुंची। लेकिन हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का विकास केवल कॉरपोरेट जगत से नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का विकास अगर हो सकता है तो सहकारीवाद से हो सकता है, कॉपरेटिव से हो सकता है। गांव गांव में कांग्रेस के समय में कॉपरेटिव आया, लेकिन कॉपरेटिव को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। और इसीलिए इस बार मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए कॉपरेटिव मंत्रालय को दिया है, और अमित शाह जी को मंत्रालय दिया है ताकि वो पूरी निष्ठा के साथ लागू हो सके। हम किसानों के जीवन में परिवर्तन कॉपरेटिव के द्वारा लाना चाहते हैं। हम कॉपरेटिव को भारत की मूल आत्मा मानते हुए कॉपरेटिव के माध्यम से, सहभागिता के माध्यम से हर परिवार के जीवन में खुशहाली को लाना चाहते हैं। ये कॉपरेटिव का मूवमेंट हम देश, गांव और घर घर तक ले जाना चाहते हैं, और इसकी कीमत को जानते हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नया कॉपरेटिव मंत्रालय बनाया। और आज इस यात्रा में जाते समय बहुत सारे बातें आपसे मेरे मन में करने की इच्छा थी, लेकिन मुझे पता है कि यात्रा लगातार अभी हमारी 1.5 घंटा देरी से बैठी है। आगे खांडवा तक जाना है और बीच में काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। आज मैं इतनी बात करते हुए आप लोगों से इजाजत लूंगा, लेकिन ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाई सीताराम जी को आपने अपने विधायक के रूप में चुना है, और हमारे चौधरी धर्मवीर जी यहाँ से सांसद हैं, इनके साथ मिलकर इनके माध्यम से जो भी सेवा का काम आप मुझे बताएंगे मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूंगा। जय हिंद, जय। We'll be right back.